बट वेन इट कम्स टू डे टू डे जैकेट यूटिलिटी, वन जैकेट दैट यू मस्ट हैव स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल हु वॉन्ट टू लेयर इन देयर ऑफिस, ये एग्जैक्टली टिपिकली फ्लैनल नहीं है. सो आप इसको समर्स में भी पहन सकते हैं और विंटर्स में भी पहन सकते हैं. दिस वन इज एक्चुअली अ वेरी वेरी स्मार्ट बाय. विंटर्स में स्टाइलिश दिखना रिलेटिवली ईजी हो जाता है बिकॉज ऑफ लेयरिंग, एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई एम गोइंग टू डू. आई एम गोइंग टू क्रिएट 5 बजट विंटर आउटफिट्स इन टुडेज वीडियो, जो काफ़ी ज़्यादा क्लासी होंगी एंड अलग अलग ओकेजन्स के लिए होंगी, चाहे वो फॉर्मल वेयर हो, चाहे वो कैजुअल वेयर हो, और इफ़ यू आर गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा. हाई, माई नेम इज़ वैभव केसवानी, योर इमेजिन स्टाइल कोच, एंड इफ यू वॉन्ट बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नो मोर अबाउट फैशन स्टाइल एंड ग्रूमिंग, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन. मेरा मेन फोकस होगा लेयरिंग के बेसिक्स पे और ऐसी छोटी छोटी हम क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा आउटफिट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ले सकता है डिस्पाइट बीइंग इन बजट. ऑल द पीसेज दैट आई हैव टुडे आर फ्रॉम अर्बन मार्क, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू स्टाइल देम, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट अर्बन मार्क इज काफ़ी न्यू और काफ़ी फ्रेश डिजाइन होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर अफोर्डेबल एंड दे हैव गुड क्वालिटी. मैं ओवरऑल 5 आउटफिट्स बनाना चाहता था अंडर द बजट ऑफ 10,000, तो मैंने जितनी भी ये चीज़ें मंगवाई मुझे 8,500 रुपये की पड़ गई, एंड साथ में मैंने अपनी वार्डरोब से कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें ली हैं जो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, एंड आई एम श्योर आपकी वार्डरोब में भी डेफिनेटली होंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मूव ऑन टू दीज एंड देन वील डू द स्टाइलिंग पार्ट. द फर्स्ट पीस ऑन माई लिस्ट इज दिस green sweater that I got. It is olive in color. The good part about this one is the versatility. Aap isko formals ke saath bhi easily style kar sakte hain and you can actually carry out with casual too. Now why you need knitwear in this season is because if you're staying in a city like Mumbai jahan pe bahut zyada thand nahi hoti, tab to aap isko simply pehen ke ja sakte hain ek shirt ya t-shirt ke saath. But if you're staying in a place like Delhi jahan aajkal bahut zyada thand hai, wahan pe aapko layering ke kafi zyada kaam aati hai aur saath hi saath iski utility kafi high hai. Iska jo मटेरियल है अच्छा है बट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, जिसकी वजह से यू कैन ड्रेस इट अप और यू कैन ड्रेस इट डाउन अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल प्रेफरेंस. नाउ इट इज़ नो न्यूज़ दैट आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैंसी जैकेट्स, और मैंने आप सबको भी जैकेट्स रिकमेंड करी है, मैंने हुडी स्वेटशर्ट्स एक्सेट्रा रिकमेंड करी है, बट वेन इट कम्स टू डे जैकेट यूटिलिटी, वन जैकेट दैट यू मस्ट हैव इन योर वार्डरोब is a puffer jacket. Now the best part about this puffer jacket is that ki bahut hi zyada lightweight hai, again with good utility. Also the good part about puffer jacket is ki isme na kafi zyada space hai, there's so much of room inside to layer it up. Iski wajah se iski versatility bahut zyada badh jati hai and you can actually wear it in a couple of ways. Even though jo winters ke tones hote hain wo kafi zyada muted hote hain, kafi zyada subtle hote hain, but I really wanted to add a color pop because of which I added this red sweatshirt with सिंप्लिसिटी. नाउ द गुड पार्ट इज इसका कपड़ा काफी ज्यादा अच्छा है, इट इज एक्चुअली थिक एंड अंदर से फ्लीस है, विच इज गोइंग टू कीप यू वार्म. ऑल्सो बिकॉज ऑफ यूटिलिटी पर्पज यहाँ पे साथ में पॉकेट्स भी दे रखे हैं, विच इज गोइंग टू डेफिनेटली मेक यू कोजी, एंड एट द सेम टाइम इफ यू वॉन्ट टू लेयर दिस अप यू कैन ईजिली डू दैट. सो फ्रॉम यूटिलिटी पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम बींग सटल एंड स्टाइलिश, दिस इज अ ग्रेट पिक. इवन तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बजट में हो ऑलरेडी, बट यू कैन स्टिल गेट एन एडिशनल 100 रुपीज़ ऑफ इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम यूजर यूजिंग द कूपन कोड यूट्यूब. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीस, इट इज़ द मस्ट हैव ब्लू डेनिम विद मिड फिट. नाउ द गुड पार्ट अबाउट दिस वन इज कि इसका जो फिट है वो स्लिम स्ट्रेट है. नाउ वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ स्लिम स्ट्रेट फिट डेनिम इन विंटर्स इज बिकॉज नॉट जस्ट विद योर स्नीकर्स बट इट कॉम्प्लीमेंट्स वे मोर विद योर बूट्स टू. ओवरऑल ये डेनिम मुझे काफ़ी अच्छी लगी बिकॉज इसमें स्ट्रेच भी है, इससे ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है. सी, इट हैज़ अ मिड वॉश विच एक्चुअली मेक्स इट सुपर वर्सटाइल. लिटरली अगर आपको इसको ब्लेजर्स के साथ पहनना है, इफ़ यू वॉन्ट टू वेयर इट विद स्वेट शर्ट्स जैकेट, यू कैन एक्चुअली पेयर दिस वन विद एनी ऑफ दोज. लास्टली, इस प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी की डेनिम मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ नाइस मिड ब्लू स्लिम स्ट्रेट फिट डेनिम, देन गो फॉर दिस वन. अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें दिखाई, दीज वर द मेन हाईलाइट्स ऑफ योर आउटफिट. इसके बाद मैंने जितनी भी चीज़ें ऑर्डर करी थी, द ओनली आइडिया वॉज टू यूज देम वाइल आई एम लेयरिंग. टू स्टार्ट विद, आई ऑर्डर्ड दिस हुडी इन ब्लू कलर बिकॉज ये म्यूटेड ब्लू है. आप इसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के साथ लेयर कर सकते हो ईजिली, चाहे वो फिर पफर जैकेट्स हों, वार्सिटी जैकेट्स हों, बॉम्बर्स हों, या फिर योर ब्लेजर्स. नाउ
दिस हैज़ अ थिन मटीरियल विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर लेयरिंग, बिकॉज अगर थिक मटीरियल होता है और उसके ऊपर आप लेयरिंग करोगे देन इट गेट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली अकोमोडेट, जो ना थोड़ा अनकम्फर्टेबल होने लगता है. सो ए फ्रॉम द लेयरिंग परस्पेक्टिव इट इज़ अ वेरी नाइस हुडी, और साथ ही साथ अगर आपको घर में चिल करने के लिए, अपने घर के आसपास कहीं जाने के लिए, तब के लिए भी बहुत स्टाइलिश दिखना है, उस टाइम के लिए एक ऐसी हुडी चाहिए, देन दिस इज द वन यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन. मूविंग ऑन टू द शर्ट दैट आई ऑर्डर्ड फॉर लेयरिंग, फर्स्ट ऑन माई लिस्ट इज दिस चेक शर्ट. आई एब्सोल्युटली लव द कलर स्कीम. ये ना थोड़ी फ्लैनल वाली फील ज़्यादा देती है, जिसकी वजह से ये और थोड़ी विंटर वाइब्स देती है, बट ये एग्जैक्टली टिपिकली फ्लैनल नहीं है. सो आप इसको समर्स में भी पहन सकते हैं और विंटर्स में भी पहन सकते हैं. दिस वन इज एक्चुअली अ वेरी वेरी स्मार्ट बाय. नाउ फॉर दोस टाइम्स जब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लासी लगना है और जो आपने लेयरिंग के अंदर पहना है उसको थोड़ा पॉप करना है, those are the times when you can actually style this shirt really well, and all of these things are in a budget, so jiski wajah se na these all things can actually be bought very very easily and can uplift your style game at the same time. Of course aapko sardiyon mein isko layer karna padega, jo main styling part mein aapko karke dikhane wala hu. Last but not the least, I ordered this solid blue shirt specifically for those people who want to layer in their offices. There is no better color than this one when it comes to layering for offices. Chahe wo apne cardigans ke saath aap layer karna chahe ya fir blazers ke saath ya overcoats ke saath, this is one shirt that you can layer anywhere. Now that I'm done talking about these pieces, let's move on to my favorite part of this video, the styling part. Well, that is how I created 5 winter outfits under the budget of 10,000, and I can definitely say I succeeded well. मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा था. देखो ये ज़रूरी नहीं है कि हर आउटफिट बहुत ज़्यादा हाई फैशन में ही हो. Some outfits are meant to be casual and regular, which was actually the vibe of this video. Now that was majorly about the styling part. The best part is all these pieces are very very trendy and in budget, and you can avail another 100 rupees off if you're the first time user using the coupon code YouTube. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.